यूरोप टेंशन में, यूरोप में भीषण एनर्जी संकट और ब्लैकआउट की चर्चा है। यूरोप को आर्थिक मोर्चे पर भी भारी नुकसान हुआ है। पुतिन के इरादों ने यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। युद्ध की स्थिति साफ नहीं होने से यूरोपीय देश भी चिंतित हैं। यानी दावे साफ तौर पर यह किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे 2023 में भी, लेकिन किस कीमत पर, यह बड़ा सवाल है रवि। बिल्कुल समीर, और देखिए जब से ये इस वॉर की शुरुआत हुई पिछले साल से, तब से ही यूरोप के सामने एक ये दुविधा है। एक तरफ उनको पावर बैलेंस करना है, दूसरी तरफ अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है, और इसके लिए रूस पर निर्भरता उनकी एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा पुतिन उठाते रहे। और ये पुतिन ने खुलेआम भी कहा है कि इसका अंजाम किस तरह से यूरोप को भुगतना पड़ेगा। तो अंधेरे में यूरोप के डूब जाने का डर कई यूरोपीय देशों को सता रहा है। इस पर जल्दी से हम देखते हैं कि क्या क्या बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई, तो क्या लगता था और हुआ क्या, जरा उसको हम समझे। एक तरफ ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, पुतिन यूक्रेन पर सीधा आक्रमण नहीं करेंगे, ये हमेशा से लगता था, और ये भी बात कही गई कि ये फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हुआ क्या, करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ ये अटैक किया गया, ये हमला किया गया। क्या लगता था पुतिन यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी कि वहां पर जाके जमेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। हुआ क्या, यूक्रेन के 4 राज्य अब रूस का हिस्सा है। ऑफिशियली एक बड़े कार्यक्रम में पुतिन ने इसकी घोषणा भी की। पहले क्या लगता था, कड़े प्रतिबंधों से पुतिन रुक जाएंगे, सैंक्शंस। हुआ क्या उसका नतीजा, बैन का सीधे युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा, ये सैंक्शंस बेकार साबित हुए। क्या लगता था ईयू की प्राइस कैपिंग से पुतिन परेशान होंगे, लेकिन हुआ क्या, प्राइस कैपिंग लगाने वाले देशों को तेल देने से इनकार कर दिया। और इसी की बात हम कर रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करके इस वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पे पुतिन ने पहुंचाया। क्या लगता था यूएन में घेराबंदी से पुतिन अकेले पड़ जाएंगे, हुआ क्या, ईरान ने रूस को हथियार दिए, चीन से नजदीकियां बढ़ी, तो नए अलायंस यहां पर दिखने लगे, और कम से कम यह भी दिखने लगा कि अगर 2 ध्रुवों में युद्ध होगा तो कौन किधर जा सकता है। यह अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है। राजन कोचर से यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, यूरोप की तो यह दुविधा ही अद्भुत है। एक तरफ उन्हें युद्ध में रहना है, उसे जारी रखना है, उसे फ्यूल करना है, और दूसरी तरफ उनके पास खुद फ्यूल नहीं है, रूस उसी का फायदा उठा रहा है। देखिए रवि, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस अभी किया है। इस चीज को मैं आपको एक चीज एम्फसाइज अपने व्यूज के लिए ये करना चाहता हूँ, कोई भी देश अगर दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तो वो सारी कंटिंजेंसीज की वॉर गेमिंग करता है। वो एक इंस्टेंट डिसीशन नहीं होता है कि आज हमने अटैक कर लेना है, उसमें काफ़ी तैयारी जाती है। और वॉर गेमिंग में अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करें, जो भी एक्शन नेटो ने लिया है और अमेरिका ने लिया है, रशिया का उसके पास तोड़ था, और वो तोड़ इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने वॉर गेमिंग इसकी कर रखी थी, और ये इसको एक्सपेक्ट कर रहा था इस टाइप का रिएक्शन होगा, सैंक्शंस आएंगे। सही बात है। लेकिन कोचर साहब, सुमित, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, 2022 का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस युद्ध के मद्देनजर ये रहा, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले रवि ने किया, कि 4 प्रांतों को उन्होंने घोषित कर दिया ये रूस का हिस्सा है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह का युद्ध चल रहा है और जिस तरह के हमले इस इलाके में भी हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कोई मतलब रह गया है? बात है, जब 4 राज्यों को रूस अपने में मिला लिया तो ऐसा लोग कहने लगे, दुनिया भर के एक्सपर्ट कहने लगे, अब तो ये अंतिम जो युद्ध है वो अंतिम पड़ाव पे है, अब रशिया की स्थिति बड़ी मजबूत है, युद्ध खत्म। हाँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुआ यूं कि यूक्रेन आक्रामक हुआ उस 4 राज्यों में, जिसका बड़े हर तरीके से उन्होंने जय जय गान करने का कोशिश किया कि यूक्रेन पे कब्जे के बारे में, अब वहाँ स्थिति गंभीर है। और नेटो और अमेरिका, कायदे से ये होना चाहिए था कि उन 4 राज्यों में अब अगर हमला हो रहा है तो वो डायरेक्ट रूस पर हमला माना जाए, लेकिन ऐसा तो नजर नहीं आया। उन्होंने कहा भी कि अगर इस 4 राज्यों में और किसी भी राज्य, चारों में से किसी पर हमला होता है तो वो, लेकिन सुमित जी इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिस खेरसान पर भी उन्होंने कब्जा किया वहां से खुद भी अपने कदम भी पीछे खींचे हैं। यानी ये लगातार स्ट्रेटजी भी जो पुतिन की तरफ सामने आ रही है ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाली, कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।